बुलबुल के थानेदार साहब हो गए हैं बुलबुल से खफा, क्योंकि बुलबुल ने काम ही कुछ ऐसा किया है जहां वो स्कूल से उसे निकाल दिया जाए, इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और साथ ही वो चीटिंग भी करती है। लेकिन ये बात पता चल गई है वीर को, इसीलिए वो जब बुलबुल आते हैं तो उन्हें किस तरह से डांट रहे हैं ये भी देखिए। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना था, कोई बात नहीं, लेकिन चीटिंग करने की क्या जरूरत थी बुलबुल, जबकि तुम्हें हमेशा से मालूम है, शुरुआत से मालूम है कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। फॉलो कर ले, घर से दरवाजा खोल के पैन, टेंशन, परेशान परेशान परेशान, जा उसके पीछे। लेकिन इसी बीच बुलबुल को हल्की सी चोट लग जाती है, और चोट तो बुलबुल को लगती है पर उसका दर्द वीर को होता है, इसीलिए वो किस तरह से बुलबुल से बात कर रहा है ये भी देखिए। जोर से लगी तुम्हें, लगी क्या? नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? उसके बाद हाथ निकाल। जोर से लगी क्या? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? स्लोली स्लोली हाथ निकला। एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। मुझे सिंपल सा एक जवाब दो, बोलो सिर्फ एक सवाल का जवाब। चीटिंग क्यों की? ट्रॉली बिल्कुल राइट था, हल्का सा कंटिन्यू। मैं तुम्हें हमेशा से कहा है मुझे सिर्फ सच बोलना जिंदगी में, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। गर्दन नीचे, सच बोलो। हालांकि बुलबुल भी वीर को समझाने की कोशिश कर रही है, पर बुलबुल ने इस बार काफी ज्यादा वीर को हट किया है, क्योंकि वीर बुलबुल को एक कामयाब इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं और इसीलिए उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। और जब बुलबुल उनके सपनों को साकार नहीं करना चाहती तो इस बात से वीर खफा हो जाते हैं। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।